सब्सक्राइब कीजिए दुर्गापुर पेट्स ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हे गाइस, वेलकम टू दुर्गापुर पेट्स ब्लॉग चैनल। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया ब्लॉग लेके, एक नया वीडियो लेके, एक नया दिन का नया ब्लॉग। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का टॉपिक बोल दो आप लोग को कि आज का जो टॉपिक है वो है बॉक्सर डॉग को लेकर। आप लोग को पता ही होगा वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉग्स जो है बॉक्सर, जो ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर या फिर व्हाइट कलर में आता है। और बहुत लोग ही आप लोग में से पालते भी है ये डॉग को, क्योंकि ये डॉग मस्त होता है। अब इसके बारे में मैं चारों इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे, और आप लोग को भी ये फैक्ट्स पता नहीं होगा पहले से। तो वीडियो थोड़ा सा भी मिस मत करना, क्योंकि मिस करोगे तो बहुत सारा फैक्ट्स मिस हो जाएगा बॉक्सर के बारे में। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसे लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो फैक्ट आता है कि बॉक्सर का नाम कैसे आया। अब ये बॉक्सर नाम क्यों है, मतलब वो लोग तो उतना बॉक्सर जैसा फाइट नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो बॉक्सर जैसा नाम क्यों है, तो ये मैं पहला पॉइंट में डिस्क्राइब करूंगा। तो बॉक्सर नाम इसलिए है क्योंकि कभी कभार जो बॉक्सर डॉग है वो अपने जो पैरों है, मतलब पीछे का पैर, उसमें खड़ा होके सामने का जो पैर होता है या फिर हाथ जो भी बोल सकते हैं उसमें मूवमेंट करने लग जाता है। जो ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है उसका, कभी कभार जब बहुत एक्साइटेड हो जाता है, मतलब एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, तब कभी कभार कर देता है ये। तो इससे जो मतलब जिसने नाम दिया उसका था डॉग ये, तो कौन है अब स्पेसिफिकली नहीं पता, तो वो ऐसा देखते उसका नाम दे दिया क्योंकि जो पीछे पैर है उसमें खड़ा होके हाथ चलाने लग गया, तो इसीलिए उसका नाम बॉक्सर दिया गया। अब ये चीज बहुत किसी ने विश्वास नहीं किया होगा क्योंकि विश्वास करने का भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एक फैक्ट है। सेकेंड जो फैक्ट है, एक बॉक्सर का मतलब डीफ होने का चांस मैक्सिमम है। ये थोड़ा बैड फैक्ट है क्योंकि दुख वाला फैक्ट है जो लोग पालते हैं उन लोग के लिए। मैक्सिमम देखिए, जो व्हाइट कलर का बॉक्सर अगर आप पालते हैं जिसमें ब्राउन ब्लैक मिक्स होता है, तो उसमें पिगमेंट के लॉस के कारण या पिगमेंट नहीं होने के कारण वो लोग व्हाइट कलर का होता है, तो पिगमेंट लॉस्ट होने, फर्दर लॉस होने के कारण वो लोग जब एज होता है, एज नहीं थोड़ा बहुत पहले डिफ हो जाता है, मतलब बहरा हो जाता है। सब डॉग ही बहरा होता है, डिफ होता है, पर एज होने के समय से होता है, पर ये डॉग बॉक्सर थोड़ा पहले ही हो जाता है, जो थोड़ा सैड फैक्ट है, मतलब दुख भरा फैक्ट है ये बॉक्सर ओनर्स के लिए थोड़ा दुख का होगा। थर्ड नंबर जो फैक्ट है, एक बॉक्सर को ये थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा कि वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था ना, तो एक बॉक्सर को लोग काम में लगाता था किसी दूसरा सिटी का मैसेज लेके एक सिटी में आने के लिए। बॉक्सर बहुत अच्छा सा तैरता है, इसीलिए मतलब तैरने के समय किसी नदी या फिर रिवर में जाने के टाइम ये बॉक्सर मैसेज देख के फिर से ओनर को ला देता था, तो ये वर्ल्ड वॉर टू में बहुत काम आया था, क्योंकि ये किसी को शक तो नहीं होगा ना, एक डॉग मैसेज डिलीवर कर रहा है, तो ये शक किसी को नहीं होता, इसीलिए वो जाता था फिर से मैसेज लेकर आता था। और लास्ट में मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि एक डॉग बॉक्सर का, मतलब बॉक्सर डॉग का आप बहुत जनी देखे होंगे, थोड़ा अगर देखेंगे उन लोग का जीभ जो होता है ना दूसरा डॉग का कंपेयर से बहुत लंबा होता है। अब क्यों लंबा होता है, क्यों लंबा होता है तो ऑब्वियसली नहीं पता, पर लंबा होता है कारण वो लोग जीभ बहुत काम में लगाता है। अब कैसा काम, आप लोग उन लोग का मूवमेंट से देख सकते हो। तो 2002 में ब्रैंडी नाम का एक बॉक्सर डॉग था जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था 2002 में, क्योंकि उसका जो टंग था, जीभ था, वो 17 इंच तक गया था। और आप लोग को पता ही होगा जो 12 इंच है इक्वल टू 1 फुट है, मतलब 24 इंच में 2 फुट, और 17 24 के बहुत आसपास ही है, इसीलिए उस सोच सकते हैं कितना बड़ा है, स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। एंड लास्ट में एक बोनस फैक्ट, एक बोनस है ये, लास्ट में मैं देता हूँ हर एक वीडियो में, कि उन लोग का नाक जो होता है आप देख सकते हैं दूसरों का कंपेरिजन, उन लोग का नाक बहुत अंदर के तरफ होता है। अब क्यों होता है, ये थोड़ा फैक्ट है, एक अच्छा सा मेरे को अच्छा लगा कि उन लोग का नाक, वो जब प्रीवियस टाइम था ना, उन लोग के यूज किया जाता था शिकार करने के लिए। अब हंटिंग करने के लिए उसे बहुत दौड़ना पड़ेगा, फिर उसका जो प्रेडेटर है उनको पकड़ना होगा, तो उनको पकड़ने के लिए तब तो सांस भी ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत दौड़ रहा है, तो सांस कैसे लेगा अब ये, तो सांस लेने के लिए उनका नाक जो है अंदर की तरफ घुसा रहता है, ताकि जब वो लोग मुंह में शिकार लेके आए वही टाइम पे एकदम कॉन्स्टेंट दो काम करें, जो कि है सांस लेना
और शिकार को भी ले आना। एक बात में मैं आपको बोल सकता हूँ, हाँपना मतलब बहुत दौरा, आप हाँप रहे हो पर कैसे लेगा सांस, वो तो उसका मुंह में तो ये है, शिकार है तो कैसे लेगा, उसका नाक इसलिए अंदर की तरफ होता है ताकि वो लोग अच्छा से सांस ले सके। होप करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए उन लोग को जो लोग बॉक्सर होना रहे या फिर जो पेट्स रखते हैं उन लोग को शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।